हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पाँच, पाँच को एक काट सकती है और पाँच खुद से कट सकती है। यानी ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे और किसी संख्या से न कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सात जो एक से कट सकती है और खुद से कट सकती है, यही तो होते हैं आपके प्राइम नंबर। एक और लेते हैं एग्जांपल, ग्यारह, एक से भी कट सकती है और ग्यारह से भी कट सकती है, तो ये आपके हुए प्राइम नंबर। एक और लेते हैं, जैसे बारह, एक से भी कट सकती है और बारह से भी कट सकती है, लेकिन इसके अलावा ये दो से भी कट सकती है, तीन से भी कट सकती है, चार से भी कट सकती है, तो ये आपके प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? क्योंकि दो ही गुणनखंड होना चाहिए, यहाँ दो से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह। तो कोई आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि दो होती है। दो और कौन सी संख्या होती है? तो दो आपके इवन नंबर भी होती है, इवन नंबर भी होती है, और दो ही आपके ओड नंबर भी होती है। ओड नंबर भी होती है, दो ही एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और ओड नंबर भी है। ठीक है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, पाँच, सात, ग्यारह, तीन, तेरह, ये सब क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं। क्लियर? तो चलिए कुछ और मुख्य क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए, एक और पचास के बीच कितनी प्राइम नंबर होती है? तो देखिए, दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, उन्नीस, तेईस, उनतीस, इकतीस, सैंतीस, इकतालीस, तैंतालीस और सैंतालीस, ये आपके पंद्रह होती है एक से पचास के बीच प्राइम नंबर। और पचास से सौ के बीच कितनी होती है? तो देखिए, तिरपन, उनसठ, इकसठ, सड़सठ, इकहत्तर, तिहत्तर, सेवेंटी नाइन, एट्टी थ्री, एट्टी नाइन और सेवेंटी और सॉरी नाइन्टी सेवन यानी संतानवे, ये टोटल कितने हुए? दस होते हैं। तो एक से सौ के बीच प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो गई? पंद्रह प्लस दस यानी कितना हुआ? पच्चीस। यही आपके होते हैं प्राइम नंबर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करिए, मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, है ना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आइए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या को जानते हैं। वे संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे चार, देखिए एक से भी कटेगा और चार से भी कटेगा और इसके अलावा ये दो से भी कटेगा, है ना। तो ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटने के बाद किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाए वही होती हैं आपके कंपोजिट नंबर। एक और लेते हैं, जैसे छः है, एक से भी कटेगा, छः से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा ये दो से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा, यही होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। एक और लेते हैं संख्या, दस, जो एक से भी कटेगा, दस से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा ये दो से भी कटेगा और पाँच से भी कटेगा, यही होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे चार, छः, आठ, दस, बारह, पंद्रह, डॉट डॉट। तो सवाल यहाँ उठता है कि सबसे छोटी यानी फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है? तो आपके होते हैं चार। सबसे कम यानी कि भाज्य संख्या जो होती है वो चार होती है, है ना। तो चलिए कुछ और मुख्य क्वेश्चन को जान लेते हैं। जैसे एक से सौ के बीच कितनी कंपोजिट नंबर होती है? तो ये आपके होते हैं चौहत्तर। अब एक से एक हज़ार के बीच कितनी कंपोजिट नंबर होती है? तो आठ सौ इकतीस।
लेकिन दोनों में एक से हो रहा है तो एक कौन सी संख्या होती है, तो एक देखिए ना कंपोजिट नंबर होती है, नो कंपोजिट नंबर और नो प्राइम नंबर। सॉरी गाइज, ठीक है, तो एक जो होती है ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। क्लियर, अब आपको समझ में आ गई। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गई। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके परेशानियों को दूर करूंगा। तो चलिए एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एक होती है उसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। आइए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे दो और पाँच, देखिए दो न पाँच को काट सकती है न पाँच दो को काट सकती है, तो कोई तो ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को काट सकती है, तो आपके एक होती है। एक दो को काट सकती है और एक पाँच को काट सकती है, यही तो है आपके को प्राइम नंबर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दो और सात। यहां देखिए दो सात को नहीं डिवाइड कर सकती है और सात दो को डिवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन कोई तो ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है, तो आपके एक होते हैं, यही होते हैं को प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 24 और 23। देखिए 24 23 को डिवाइड नहीं कर सकती है और 23 24 को डिवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है, तो वही होते हैं आपके को प्राइम नंबर। चलिए एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको, 27 और 12। यहाँ देखिए 27 और 12, 27 12 को नहीं डिवाइड कर सकती और 12 27 को नहीं कर सकती है, कर सकती है क्योंकि 3 चौका 12 और 3 नवा 27 और एक से भी दोनों को विभाजित किया जा सकता है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। क्लियर, यानी जिसका एचसीएफ एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा हो जा रहा है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इज द क्लियर, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर आपको कहीं परेशानी इन टॉपिक में हुई है तो आप कमेंट करिए, मैं उन परेशानियों को दूर करूंगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।